जारी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद परेश रावल ने विपक्षी दलों का जबरदस्त मजाक उड़ाया है। एक तरफ जहां लोकसभा और राज्यसभा में टीएससी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और सरकार पर वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीरवार सुबह बीजेपी नेता परेश रावल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि 2019 का पहला रुझान आ गया है, विपक्ष 40 लाख वोटों से पीछे चल रहा है। एनआरसी को लेकर सबसे ज्यादा मुखर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है। ममता बनर्जी तो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को गृह युद्ध और रक्तपात तक की धमकी दे चुकी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, लोगों के पास अब भी अपना नाम इस सूची में डलवाने का वक्त है। दरअसल सोमवार को असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का ड्राफ्ट आया था, जिसमें असम के कुल 3,29,00,000 आवेदन में से 2,89,00,000 लोगों को नागरिकता के योग्य पाया गया है। वहीं करीब 40 लाख लोगों के नाम इससे बाहर रखे गए हैं, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा मचा हुआ है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।